तो ठीक है या 21 डेज के बाद सेकंड कॉल बताओ तो दो आप लोग मुझे पता आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं तो अभी बच्चों के साथ बैठ के बहुत ज्यादा अच्छी हो गई हूँ। बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे और अभी जा रही हूँ बच्चों को लेके वैक्सीन कराने हॉस्पिटल। और कोको भी आई है, देखो मम्मा भी आई है साथ में। और ये बॉक्स इन लोगों के लिए इतना छोटा पड़ गया ना, मैं क्या ही बताऊँ। तो दो को गोद में लिया और तीन को अंदर डाला। तो जा रही हूँ, दिखाती हूँ आज कैसे इन लोगों का वैक्सीनेशन होता है, कहाँ जाती हूँ। देखो कैसे शांत है। आज पहली बार ये लोग घर के बाहर निकले और इतना शांत। देखो घर पे तो इतना शांत नहीं रहते, बिल्कुल नहीं रहते। अभी हॉस्पिटल आ गई हूँ, ये देखो हॉस्पिटल। और ये लोग कैसे सोए हैं, एक इधर है। तो दोस्तों हॉस्पिटल आ गई हूँ और ये कोको आती है तो हमेशा खेलती है सबके साथ। तो ये है रिसेप्शन, यहाँ पे सबसे पहले आपको सारा डिटेल देना होता है और फिर उसके बाद ऊपर जाना होता है डॉक्टर के पास। और ये वीडियो आप लोग एंड तक देखना क्योंकि यहाँ इस वीडियो में डॉक्टर ने काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है जो आप लोगों को काफ़ी ईजिली समझ में आएगा और आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो एंड तक ज़रूर देखना। कोको डर रही है और इसके बच्चे इधर है। हाँ डर गई। अच्छा आप थे ना, ये सबसे ज्यादा वीक ही है। दोनों फीमेल एकदम मस्त है। अच्छा, और एकदम फिट है। ओके। सिर्फ ये ही एक बेचारा, ये और फर्स्ट वन प्रभु को भी दे। सबसे लास्ट में हुआ था ये प्रभु और ये फर्स्ट और सेकंड। थर्ड नंबर को डाल दो इसको। ओ टू नाम इसका। हां इसका क्या नाम है? बिस्किट। बिस्किट बिस्किट 2 केजी 1.8। मुझे लगा यही सबसे वेट होगा। रिवर्स मारती हो? रिवर्स लगती है। हाँ, हाँ, रिवर्स ही मारती है। वो सीधा नहीं चलती, वो रिवर्स चलती है। बिस्किट इज द गुड विनर हियर। या ऑल देयर मेक्स आर गुड। ओके, तो कोई ऐसा वीक वाला सीन नहीं है ना। तो ये क्यों इतना हेडेंटी लगता है? सबसे ज्यादा वही खाता है। जब जब हुआ ना वही दोनों हेल्दी था। हेल्दी थे। अब वो दोनों थोड़े से वीक से लग रहे हैं और बाकी सब ओके। अच्छा, वेट्स आर नॉट लाइक यू नो इतना वीक नहीं है। इट्स लाइक पपीज का वेट इज फाइन है। ओके, पपीज उसका हेल्दी, मतलब दे आर ऑल आर हेल्दी। ओके, क्या हुआ बाबू, क्या हुआ? बच्चों का वैक्सीनेशन 16 वीक के बाद चालू होता है। ओके, वैक्सीनेशन स्टार्ट फ्रॉम 16 वीक्स। 45 डेज के बाद होता है। हाँ, 21 डेज के बाद द सेकंड फर्स्ट बूस्टर, दिस इज द प्राइमरी वन विल बी गिविंग। एंड देन उसके बाद 21 डेज के बाद वी हैव फर्स्ट बूस्टर। देन आफ्टर दैट देयर विल बी ऑलमोस्ट 3 मंथ्स, देन उसकी रेबीज का वैक्सीनेशन करते हैं आफ्टर अगेन 21 डेज। देन रेबीज का वैक्सीन करते हैं, देन लास्ट बूस्टर अगेन ऑन 21 डेज के बाद अगेन DHIPP उसका लास्ट बूस्टर। जितने महीने तक हमारे पास रहेंगे तो फिर हमें तो अटैचमेंट हो जाएगा। अभी हो गया। हाँ, सो यू तो ये जिसको भी देंगे ना, अच्छा उनको बता, उनको ये लिस्ट दे देंगे। okay, cool. ये so, जो आपके पास है, सो यू विल प्राइमरी वैक्सीन करके यू कैन देन गिव द पपीज। हाँ, करके प्राइमरी वैक्सीन करके देन यू कैन गिव फॉर अडॉप्शन। सो आफ्टर दैट जस्ट टेल देम लाइक जो कार्ड है अपने वो इधर से मिलता है, जस्ट give them that and tell them to follow this, क्योंकि वो कार्ड में देते next due vaccine कब है, so they just have to bring them तभी। so आपकी responsibility सिर्फ अभी primary vaccine deworming करना है and then just give। so इनके साथ साथ आपको deworming का भी schedule चालू करना है। this is vaccination का schedule। हाँ, ऐसा लिख दीजिए ताकि मैं सबको ये, this is vaccination का schedule and this is deworming का schedule। सो अगेन डीवॉर्मिंग वैक्सीन के पहले लाइक ऑन 40th डे जब व्हेन यू वीन फ्रॉम द मम्मी, सो उन जब व्हेन दे स्टॉप फीडिंग द मिल्क इनका इम्यूनिटीज कम होते जाता है, तो दैट टाइम देन यू हैव टू डीवॉर्म। पहले जो डीवॉर्मिंग तभी चालू होता है। सो 40th डे डिपेंड्स अपॉन व्हेन यू आर वीनिंग हर। तो आफ्टर लाइक 2-3 डेज उसके बाद उसको डीवॉर्मिंग का करना है। तो डीवॉर्मिंग इज अभी सिरप देना है या पपीज। सो 1 ml फॉर 1 kg, दिस इज अ डोज उसका।
सो जो भी मेडिसिन आप दे रहे हो तो 1 ml फॉर 1 kg एंड दिस हैव टू बी रिपीटेड 15 डेज फॉर 3 months. So 1 month or 3 months. हाँ 3 months till this vaccination का schedule completes. You have to repeat this for every 15 days. So after 3 months, उसको then every 1 month you have to repeat the dose. Okay. उसका weight के हिसाब से again dose every then every month. Then after they become like till 6 months. After 6 months. Every 3 months, 6 or 8 months. ये डोज 1 month लिख दो ना इधर, इधर आपने 1 month नहीं लिखा. हाँ. 1 month. And then this is till 3 months and 3 to 6 months तक it's every 1 month and six after 6 to 8 months and now this depends upon the puppy. अगर puppy बहुत weak है and it's not like worms अगर है बहुत like इसको हो रहा है फिर से then you have to continue till 1 year every 1 month. If the puppy is healthy, there is no issues and mm-hmm. कुछ problem नहीं है then every 3 months then you just have to continue this till they are every adult. 3 months. Okay. So after greater than 1 year adult every 3 months you just have to vaccinate. कोको को भी करना जरूरी हो गया. सो ये एक दिस इज देयर वैक्सीनेशन शेड्यूल. सो ये हो गया लास्ट बूस्टर के बाद देन एवरी ईयर सो दे विल बी ऑलमोस्ट 1 year. सो ग्रेटर देन 1 year दे बिकम एन एडल्ट. सो एडल्ट्स के लिए एनुअल वैक्सीनेशन है. ओके तभी मेरे कोको के लिए एनुअल वाला ही होगा. सो कोको के लिए तो भी एनुअल वैक्सीनेशन ही है एंड कोको के लिए एवरी 3 months यू हैव टू डीवॉर्म एंड व्हेन यू डीवॉर्म हर मेक श्योर द कंपोजिशन इज गुड. अभी ड्रोंडल प्लस आता है स्पाइरेंडल क्लासिक वंडल देन देयर इज एल्बुमार व्हिच इज एल्बेंडाजोल. सो लाइक राउंड वर्म्स टेप वर्म्स जस्ट कीप चेंजिंग द कंपोजिशन. लाइक इफ यू कीप गिविंग द वन हु रेसिस्टेंट हो जाता है जस्ट कीप चेंजिंग द कंपोजिशन उसका. Then feed like you can give them puppy. Abhi till they are 4 months, 3 months you can just give them 4 times a day feed like they are in the growing vegetables stage. Abhi de sakte hai. Vegetables de sakte hai. Aap sirf grapes nahi chahiye. Nahi grapes to haan last time chilla. Grapes nahi chahiye. Chocolate nahi chahiye. Okay. Onions. Okay. Garlic. एनीथिंग अदर देन दिस रेजन्स आल्सो दिस आर अ बिग नो. ये कभी देना चाहिए क्योंकि इनका टॉक्सिक कंटेंट वो डॉग्स में रह जाता है एंड देन आल्सो हाई ग्लूकोज कंटेंट शुगर लाइक यू नो वो बिस्किट्स देते हैं ना दैट इज आल्सो नॉट इनका जो फ्लोरा है वो खराब हो जाता है. इट्स नॉट दे कैन डाइजेस्ट इट एंड मिल्क आल्सो. सो मिल्क इट्स नॉट After they wean from their mommy, मतलब एक महीना हो गया तो digest नहीं होता है milk. But you can still like, it depends upon individual to individual. कभी कभी even in humans also, we can't digest milk. But we still drink it and then, so just check, अगर बहुत loose motion हो रहा है, so stop feeding them milk. And then you can give them curd. Curd is nice. Curd doesn't cause any geriatric problems or anything. So curd is good. Curd, paneer, ये सब. Yeah, paneer is also fine. Just see उसका मतलब depend उसका loose motion हो रहा है क्या नहीं. Paneer also sometimes they can have loose motion. If there's too much loose motion, stop it. And even when you introduce food, okay. Coco तो every morning उसका breakfast. हाँ तो Coco. Some people get like some dogs get resistant to it. So it's okay. If she is eating and she doesn't have any issues, it's good. एक दिन इन लोगों ने भी खा लिया इसका. तो मुझे लगा मैं डर गई कि हो लूज मोशन कुछ होगा बट किसी का लूज मोशन नहीं हुआ. नहीं नहीं वाटर के साथ एंड डोंट गिव देम एनी स्पाइसी मसाला नॉट सॉल्ट भी नहीं. दे ओनली नीड अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट एंड पपी इफ यू हैव लाइक फॉलो अ डाइटरी मतलब जो मतलब कमर्शियल फूड you can like continue that because it has all the nutrients and jo bhi requirement hai inko jo puppy food hote hai unme zyada protein hota hai then when they grow adult wo protein maintenance diet hota hai they doesn't need a lot of protein and all. So till 4 months 4 times karna hai then after that 3 times karna hai. So till 8 months you can till give eggs 3 times and then two times and if the dog is healthy and all even 1 time is also fine. So it's depends. So some people give it 2 times, some people it 1 time. So it depends upon you. But they doesn't have to be fed 3 times or like 2. So unka jo and whenever you feed them, keep them on a specific time, specific schedule. Mala abhi morning ko de rahe, to timing rakho 8 o'clock.
8 o'clock को दे रहे हो और 9 o'clock 10 o'clock whatever timing is that keep ये तो मैं जो आप जितना बोला सेम मैं यूट्यूब में डालने वाली हूँ, वही लिंक शेयर कर दूंगी सामने वाला जो भी रहेगा, सो प्लीज ये पहले देख लेना. अभी उसका डिवॉर्मिंग का मैं इनको सिरप पिलाना है बस, वो हम लोग उससे ये किसको देना है? पपीज को, पपीज को वेट के हिसाब से देना है. तो वेट के हिसाब से देना है, 1 ml 1.5 ml इसको, सो 1 ml फॉर 1 kg. तो सब तो 1 kg के ऊपर है, तो मुझे 1.5 ml मतलब 1.2 सबको आप 2 ml दे सकते हो, बिकॉज़ ऑलमोस्ट एवरीवन इज 2 ml के उधर है. सो इफ इवन इफ यू टेक ना सम ऑफ द सिरप विल गो आउट, सो जस्ट इसको ही 2 ml सबको 2 ml दे दो, फाइन चलेगा ना? ठीक है, फाइन ऑल ऑफ देम गिव 2 ml एंड देन साथ में देना जो भी है. हां हां मिलेगा, नीचे ही मिलेगा ना? हाँ नीचे इधर मिलेगा. और इसका भी मैं लिख के देती हूँ, शी इज हाउ व्हाट्स हर वेट, 8 समथिंग कुछ था, 8.7 कौन इंजेक्शन कैंसिल ऑलमोस्ट 11 एंड हाफ ऑफ कुछ इंजेक्शन कैंसिल वाला कुछ हो गया. सो दिस इज अभी इसका जस्ट 1 tablet देना है उसको, जस्ट टैबलेट आप लिख के आओ. क्या नाम है? यही है क्या? हां यही है कि वॉक लेके आओ जाओ नीचे से. If you can bring the tablet, I can bring down and just give it to her. I'll try. If she's not eating, then you can try it. तो यही है ना, नीचे ही है ना? दो ले लेना, दो ले लो फिर. हाँ तो दोस्तों आज इन लोगों का वैक्सीनेशन नहीं किया हुआ है, क्योंकि वैक्सीनेशन से पहले इनको डीमोविंग कराना होगा, जो पेट के कीड़े को मारने के लिए. जब हम लोग डीमोविंग करा लेंगे कल या आज, उसके एक हफ्ते बाद मैं आऊँगी इन लोगों को लेके फिर से वैक्सीनेशन कराने के लिए. तो दोस्तों घर पे इनका डीमोविंग का दवाई खिला दिया है, अभी ये लोग खेल रहे हैं और अगले हफ्ते ले जाऊंगी. तो वीडियो में आज यही ख़त्म कर रही हूँ, और जो डॉक्टर ने जितना भी इन्फॉर्मेशन दिया है आप सभी के लिए बहुत अच्छा होगा, जो भी डॉग पाल रहे हैं, उनके बेबीज़ हुए हैं. तो आप लोग अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना, जो भी लोग नए हो. थैंक यू सो मच मेरे वीडियो देखने के लिए.